ओम शांति। संतुष्टता के बराबर संसार में और कोई भी प्राप्ति नहीं है। कहते भी हैं संतोष के बराबर कोई सुख नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को अब यही आज्ञा दी है कि बच्चे अब संतुष्ट मणि बनो और संतुष्टता की वाइब्रेशन संपूर्ण संसार में फैलाओ। अपने चारों ओर का वायुमंडल संतुष्टता से भरपूर करो। तो ये कब होगा? जब हमारा मन संतुष्ट होगा। जब हमारा मन सदा संतुष्ट रहेगा तो हमसे चारों ओर संतुष्टता की वाइब्रेशन फैलेंगी, जो सर्व आत्माओं को संतुष्टता प्रदान करेंगी, उनमें संतुष्टता भरेगी। तो हमें इस अभ्यास को अब बढ़ाना है, यही बाबा की आज्ञा है। हमारी संतुष्टता तब खत्म होती है जब हम बहुत सारी इच्छाएं मन में लेकर चलते हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं। ऐसा मन कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। तो हमें क्या करना है? अपनी सर्व इच्छाएं, सर्व अपेक्षाएं एक बाप में समा देनी है। जो जैसे चलाए, जो देवे उसमें संतुष्ट। जैसा मुझे जीवन प्राप्त हुआ है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, स्वयं को भरपूर अनुभव करती हूँ। एक पॉइंट जो संतुष्टता के लिए हमें सबसे बड़ा बल बनती है वो है कि भगवान को पाने के बाद और किसी भी चीज को पाने की जरूरत नहीं रहती है। एक वही सर्वोच्च प्राप्ति है जो हमें मिल गई है, प्राप्त हो गई है। भगवान हमें मिल गया है तो उसको पाने के बाद संसार में अब और कोई भी इतनी बड़ी प्राप्ति नहीं है कि जिसके पीछे हम भागें। यही एक सर्वोच्च प्राप्ति है जिसको पाने के बाद और किसी भी वस्तु को, चीज को, संबंध को पाने की जरूरत नहीं है। एक बाबा में ही सब कुछ समा जाता है। ये आगे आगे हमें अनुभव होगा कि भगवान की प्राप्ति कितनी बड़ी प्राप्ति है, जिसने हमें इतना सर्वोच्च बना दिया, हमारे कई जन्मों को इतना श्रेष्ठ सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर दिया। तो हमें सदा संतुष्ट रहना है और ये संकल्प करना है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। जो भी मेरे पास है, जो भी मुझे मिला है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं सर्व इच्छाओं से मुक्त हूँ। भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। अब और किसी वस्तु की, चीज की चाहना नहीं है। अब ये जीवन उसका है। अब प्रभु मेरा बाबा इसे जैसे चलाए, जैसे रखे, मुझे वैसे ही चलना है। बस मुझे हर एक पल में उसके साथ रहना है। यही इस संसार का, मुझ आत्मा का सबसे बड़ा सुख है। ओम शांति।